अस्सलाम वालेकुम जी, आज जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये है DHA फेज़ 1 सेक्टर F बिजनेस बे का एरिया। यहाँ पे आज जो मैं आप लोगों को विज़िट करवाने लगा हूँ वो है DHA फेज़ 1 के बिजनेस बे के 2 बेड अपार्टमेंट, यानी ये जो मेरे पीछे है वहाँ से लेके और वो वहाँ तक 1 से लेके 12 तक इसके ब्लॉक्स हैं। तो इसमें 2 बेड लग्जरी अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बहुत से लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, बहुत से लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं इसके अंदर किस तरह के अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो वो मैं आपको विज़िट करवाने लगा हूँ। इसमें अगर आप देखें तो इसकी प्राइस रेंज मैं आप लोगों को बताता हूँ और रेंटल वैल्यू बताता हूँ। प्राइस रेंज इसकी वेरी करती है 1,15,00,000 रुपये से 1,20,00,000 रुपये तक, यानी कि 1,30,00,000 रुपये तक, यानी कि 1,15,00,000 रुपये वो अपार्टमेंट मिलता है जिसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा सर्वेंट क्वार्टर। अगर आपको सर्वेंट क्वार्टर चाहिए तो वो मिलेगा 1,25,00,000 रुपये से 1,30,00,000 रुपये तक। इसकी रेंटल वैल्यू ये है कि आप 45,000 रुपये से 55,000 रुपये तक इसको रेंट कर सकते हैं। ये DHA के अपार्टमेंट्स हैं, यानी ट्रांसफ़र DHA से होगा। मेंटेनेंस जो है यहाँ पे वो होगी बहरिया की। बड़ा पीसफुल एरिया है, तो आइए विज़िट करते हैं इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। 2 बेड के लग्जरी अपार्टमेंट 1425 और 1475 स्क्वायर फीट के मौजूद हैं। इसकी मैं आप लोगों को आगे फर्दर वीडियो में प्राइस भी बताऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या क्या मौजूद है और लोग यहाँ पे कौन सा बायर इंटरेस्टेड है और यहाँ पे क्या क्या सहूलियात आपको मौजूद है। DHA फेज़ 1 सेक्टर F बिजनेस बे के अपार्टमेंट आज से कोई 8 साल पहले मुतारफ़ कराए गए थे और इसमें ये पूरी एक लाइन है जो कि ब्लॉक 1 से ब्लॉक 12 तक मौजूद है। तो इसमें क्या क्या मौजूद है, ब्लॉक हर ब्लॉक सेम शक्ल का बना हुआ है और एक ब्लॉक के अंदर मेरे ख्याल से कुछ 8 अपार्टमेंट्स हैं जिसमें लोअर ग्राउंड, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर मौजूद है। कुछ अपार्टमेंट्स का जो रुख है वो बैक साइड पे है जो कि काफ़ी पीसफुल है, वहाँ पे आपको पार्किंग स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, और कुछ का रुख जो है वो फ्रंट साइड अपार्टमेंट है। अच्छा, इसमें 2 बेड के अपार्टमेंट्स में अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये पीछे मेरे ये जब ओपन स्पेस है ये सारी इसका TV लाउंज है, यानी यहाँ पे आप लोग TV अपना प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे TV आपका प्लेस हो सकता है और यहाँ पे मेरे बैक साइड पे आप डाइनिंग टेबल रख के और डिनर कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, जो भी आपकी उसमें ख्वाहिश है। अच्छा, ये कोई इतना मतलब एक अपार्टमेंट के हिसाब से ये 2 बेड अपार्टमेंट हैं सारे के सारे, उसके हिसाब से काफ़ी स्पेशल है, यानी इतनी बड़ी जगह आपको अपार्टमेंट में मिल रही है जहाँ पर आप डाइनिंग साइड भी आपकी होती है और TV लाउंज एरिया भी आपका मौजूद है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसका किचन, किचन का जो साइड है वो स्पेशियस है, वहाँ पे आप कुक कर सकते हैं, साथ ही उसके बिल्कुल स्टोर रूम, स्टोर रूम में मतलब कितनी ज़्यादा स्पेस नहीं है लेकिन कदरे बेहतर स्पेस है। उसके बाद जो लेफ्ट साइड पे मेरे यहाँ पे ये एक रूम है और एक रूम वो पीछे है जो कि मेरे ख्याल में वॉकिंग डिस्टेंस पे है। रूम जो है ये वाला नॉर्मल रूम है, नॉर्मल स्पेस वाला है, और वो वाला जो रूम है वो थोड़ा सा मास्टर बेडरूम कहलाता है। दोनों में वॉशरूम स्पेस मौजूद है, वॉशरूम काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। अच्छा, ये जो अपार्टमेंट्स हैं इनकी प्राइस पे आ जाते हैं, इसकी प्राइस जो इस टाइम पे चल रही है वो अराउंड आप ये कह लें कि 1,15,00,000 से 1,25,30,00,000 रुपये मुश्तमिल है। अच्छा, उसमें ये स्पेस आपको दे दी जाती है और सर्वेंट क्वार्टर इसके बिल्कुल ऊपर भी हम चले जाते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ सर्वेंट क्वार्टर मौजूद है। सर्वेंट क्वार्टर हर अपार्टमेंट के साथ नहीं मौजूद, कुछ अपार्टमेंट के साथ मौजूद है, कुछ अपार्टमेंट के साथ नहीं मौजूद। जिनके साथ नहीं मौजूद वो 10,00,000 रुपया कम आपको मिल सकते हैं। अगर आपको सर्वेंट क्वार्टर के साथ चाहिए तो वो 10,00,000 रुपया एक्सपेंसिव है इसकी। अच्छा जी, अभी मैं आपको थोड़ा सा विजिट इसका दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या मौजूद है, वो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अभी आप मेरे साथ साथ आते हैं। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है जो कि ऐसे दरवाज़ा, और ये मैंने आपको बताया था इसमें 2 किस्म के अपार्टमेंट्स हैं, एक जो अपार्टमेंट है जो बैक साइड पे फेसिंग होता है और एक अपार्टमेंट है जो फ्रंट साइड पे फेसिंग होता है। तो ये वाला जो रूम है इसका फेसिंग जो है आप देख सकते हैं कि रोड की तरफ, जो कि काफ़ी एक अच्छी फील देता है और आपको रोड साइड व्यू मिल जाता है और रात के टाइम यहाँ पे सिटी लाइट व्यू भी होता है। दूसरा कमरा भी आप आ जाए, उसका कमरा है वो भी इसी तरह रोड साइड व्यू है और रात के टाइम उसका काफ़ी सिटी लाइट वाला व्यू आता है। इस पूरे कमर्शियल की लाइन में आपको काफ़ी खाने पीने की अशिया और बैंक की सहूलियात भी मौजूद हैं, यानी एक वॉकिंग डिस्टेंस पे एक पूरी ट्रेल है जिस पे आप चलते रहें और आपको काफ़ी सहूलियात जिस पे रेस्टोरेंट, रशीद स्वीट्स, ग्लोरिया जीन्स और HBL का एक बैंक भी मौजूद है। तो मतलब आप एक वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ये सब कुछ मौजूद है, डंकिन डोनट्स पे मौजूद है, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। और साथ आपके किचन है और ये यहाँ पर ये जो है
ये इसका स्टोर रूम। अच्छा, दूसरा ये है कि मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली DHA की प्रॉपर्टी है, यानी ये जो ट्रांसफ़र होगा ये DHA से होगा, DHA सेक्टर F। तो इसकी लैंड ऑनरशिप जो है वो DHA के पास है, लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये है कि इसकी जो मेंटेनेंस है वो बहरिया के पास है, यानी यहाँ पे लाइट, बिजली पानी और जो गैस है वो बहरिया देगा, मेंटेनेंस सिक्योरिटी भी बहरिया की होगी, यानी मेंटेनेंस आप बहरिया की इंजॉय करें जो कि उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और लैंड की जो कुछ लोग कहते हैं कि बहरिया के नाम ट्रांसफ़र ना हो, उसके इलीगल कुछ वो चल रहे थे मामला, तो इसकी जो ऑनरशिप है वो आप DHA से ट्रांसफ़र करवाएंगे। ट्रांसफ़र फीस जो है इसकी वो तकरीबन आप ये कह लेंगे इस टाइम पे 4-4.5 लाख रुपया है, जिसमें 1,50,000 रुपया इसकी ट्रांसफ़र फीस और बाकी जो है वो टैक्सेस हैं, जिसमें CVT, स्टाम्प ड्यूटी और एडवांस टैक्स। अच्छा जी, इसके सर्वेंट क्वार्टर्स जो हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके बिल्कुल जो आप ऊपर सेकंड फ्लोर से ऊपर आएंगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड और थर्ड फ्लोर पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे इसके सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। ये हर अपार्टमेंट को मुख्तलिफ तरीके से अलॉट हुए हुए हैं, जैसे ये एक यहाँ पे, ये दो बने हुए हैं, यहाँ पे दो बने हुए हैं, हर बिल्डिंग के मेरे ख्याल से 8 जो मैंने अपार्टमेंट से मुख्तलिफ जो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं वो दे दिए गए हैं। ये आप दिखा देंगे, ये इसका देख लें, ये है, और इसका व्यू जो है बड़ा मज़े का ऊपर से, यानी शाम के टाइम इसको सेक्टर F का व्यू मिल जाता है। ये देखें जी, यहाँ पे आप शाम के टाइम खड़े हो सकते हैं और आपको जो पीछे व्यू है वो मिल जाता है, और काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है बैक साइड पे, बैक साइड पे इसका बड़ा मज़े का व्यू है। शाम के टाइम यहाँ पे आप आ सकते हैं इंजॉय। और इसका फ्रंट साइड का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, ये जी इसका मेरे पीछे जो है इसका फ्रंट साइड व्यू है, जिसपे मेन बुलेवार्ड जो है एक बाहर एग्जिट करती है और दूसरा जो है फेज 8 की तरफ जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा व्यू है। यहाँ पे भी नाइट टाइम में यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार सिटी लाइट्स चल रही है। तो आज के लिए DHA फेज 1 सेक्टर F के अपार्टमेंट्स ही मैंने आपको दिखाने थे कि अंदर से अपार्टमेंट कैसा है, वो आपको नज़र आ गया कि इसमें 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं, 1475 स्क्वेयर फिट, 1425 स्क्वेयर फिट के भी हैं। कुछ इसमें अपार्टमेंट्स में ये जो ऊपर इनको दिए गए हैं सर्वेंट क्वार्टर्स वो हैं, कुछ के बैक साइड पे व्यू है, कुछ का फ्रंट साइड पे व्यू है, डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है, और इसमें सारी सहूलियात मौजूद हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही है, मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल आप देखते रहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।